तो सफर होने वाला है कुछ एडवेंचर। बारिश भी हो सकती है बहुत तेज। अभी आएगी देखो बंदर तेरी। और इससे खूबसूरत क्या हुआ आज, बहुत ही सुंदर लोकेशन। रास्तों का मजा लो, रोड्स का मजा लो। बिल्कुल। तो ये देखो यहाँ से रास्ता ऐसा है, ऊपर नीचे ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है पूरा। तो जी देखो यहाँ कितना सुंदर झरना बह रहा है, और इसको देख के ना हमसे ना रहा नहीं गया। हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं, बहुत बहुत मस्त हैं और स्वस्थ हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हो एक खूबसूरत सी लोकेशन। एक्चुअली आज हम जा रहे हैं एक अनटच्ड डेस्टिनेशन में, और वो मैं आपको बताऊंगी अपने डेस्टिनेशन में पहुंच के। हम भी वहाँ पहली बार जाना है, हमने सुना ही था, और आप भी शायद आप में से कई लोग पहली बार देखेंगे और सुनेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी हम हैं गढ़ीकैंट से आगे, और यहाँ पे वेट कर रहे हैं मिक्की दीदी लोगों का, क्योंकि मिक्की दीदी ने हमारे साथ आना है। और हम लोग जा रहे हैं, मैं, मम्मी और सोमी, और रियो है हमारे साथ में। बाकी दूसरी गाड़ी से आएंगे मिक्की दीदी जिया जी और उनके बच्चे, तो अभी उनसे भी मिलाते हैं। आप बने रहिए और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए। देखो कितनी हरियाली है यहाँ, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और आज वैसे भी धूप थी, तो हमने सोचा चलो आज का फ़ायदा उठाया जाए, और धूप के मौसम में हम निकल पड़े हैं घूमने एक खूबसूरत सी जगह। और रियल में बिल्कुल ही अनटच्ड लोकेशन है। तो जो यहाँ पे वेट कर रहा है मिक्की दीदी लोगों का, वो अभी हमें यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे आगे के लिए। देखते हैं रोड सही होगी तो हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे, पर रोड पे डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल मौसम भी ना ऐसे ही चल रहा है, और पहाड़ों की रोड तो आप जानते ही हैं कभी भी धोखा दे जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और अभी तक वो पहुँचे नहीं, तो उनका वेट आगे हम करेंगे शिव मंदिर के पास। तो सफर होने वाला है कुछ एडवेंचर, तो बने रहिए। बारिश भी हो सकती है बहुत तेज। यहाँ पे करेंगे हम वेट, और ये है यहाँ का फेमस शिव मंदिर। तो जी फिलहाल हम पहुँचे हैं शिव मंदिर पे, और हम वेट कर रहे हैं दीदी का यहाँ पे। दीदी आएगी देखो बंदर। तेरी। अब मैंने क्या किया, तेरा डिस्टर्ब कर दिया उसको, और एक उधर भी है। तो जय भोलेनाथ, भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे। और फिलहाल हमें शिव मंदिर पे, ये देखिए। तो ये रहे दीदी लोग भी मिल गए, पहले यहाँ पे मेल मुलाकात करते हैं। तो आ गए सारे के सारे फाइनली। दीदी नमस्ते। हेलो नमस्ते। हाय। हेलो हेलो बस 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 हेलो हेलो हेलो। तो चलो जी अब निकलेंगे आगे। रियो ने पार्टी चेंज कर ली। भुट्टे लेते हो आप, कितने भुट्टे खाते हो? ये यहाँ भुट्टे खाने रुक गए, देखो मजा तो है यहाँ मसूरी में, है ना जी? जी मजा है ना। और आप तो कल जा रहे थे, ऊपर देखो कोहरा लग रहा। हाँ मसूरी सामने कोहरे से ढका हुआ, क्योंकि अब जैसे जैसे ऊपर को बढ़ रहे हैं ना, तो धुंध लगती जा रही है। और आगे लगा है कोहरा ही कोहरा, ऊपर को हाइट में बढ़ते हुए नीचे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सारी ऑफ रोडिंग, मतलब रोड यहाँ थोड़ा ऑफ रोड है यहाँ से। हाँ। और कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ से पक्की रोड नहीं मिलेगी, यहाँ से थोड़ा आपको कच्ची रोड मिलेगी। तो वैसे तो काफी गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो आ ही रही हैं, और हमारे लिए भी ये मतलब बिल्कुल नया है रोड, है ना? रोड देखना बिल्कुल ऑफ रोडिंग के पर्पज से यहाँ आप आ सकते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं कितना, अब यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू है, देखो कितना प्यारा व्यू है। भुग्याल से मतलब यहाँ से दिख जाएंगे, क्योंकि ये काफी हाइट पे है। और यहाँ से लोग, यहाँ से पूछ लो पहले कि गाड़ी यहाँ से आगे जाती है, वरना पैदल जाने का तो है, क्योंकि यहाँ तक तो देखा था हमने रास्ता, पर यहाँ पे फोटो खिंचाते हैं पहले यहाँ फोटो खिंचाते हैं। तो जी देखो कितना सुंदर व्यू है यहाँ का।
यहाँ पे सब करने लगे फोटो सेशन, क्योंकि अच्छी जगह देख के हम भी रुक जाते हैं, हमारी आंखें भी रुक जाती हैं। तो यहाँ पे खिंचाई जाएंगी थोड़ा अच्छी अच्छी फोटो, फिर यहाँ से आगे टेम्पल के लिए निकलेंगे। गाड़ी जाती है वैसे तो, पर थोड़ा रास्ता कच्चा है। और इससे खूबसूरत क्या होगा, आज बहुत ही सुंदर लोकेशन और धूप निकल आई है, बादल भी है। तो फिलहाल अभी रुके हैं यहाँ पे, तो बढ़ते हैं आगे, थोड़ा खूबसूरत नज़ारों को आनंद ले ले पहले हमने कहा, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो यहाँ से रास्ता ऐसा है, ऊपर नीचे ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है पूरा, पर जगह काफी अच्छी है। नई जगह एकदम। तो जी बहुत ही खूबसूरत जगह है, और इसी के साथ हमने डिसाइड किया कि हम भजराज टेम्पल जाएंगे, और देखते हैं अगर रोड बहुत अच्छी रही, मतलब कंडीशन ओके है, तो ही आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हमें ड्रॉप करना पड़ेगा प्लान। बट बढ़ते हैं आगे और आप नज़ारों का आनंद लीजिए, बहुत ही सुंदर लोकेशन है दोस्तों, और अगर आप आए तो जरूर यहाँ विजिट करें। ये देखें पूरा ऑफ रोड है, देखते हैं आगे कैसा रास्ता है, फिर बढ़ते हैं आगे। बारिश में तो फिर पॉसिबल ही नहीं है आते हुए भी। तो यहाँ पे एक ज्वाला देवी मंदिर भी है, उसका भी बोर्ड लगा हुआ है, अब वो मंदिर इधर ही कहीं पड़ता होगा शायद। ये देखो नीचे सिर्फ दिखेगा घना कोहरा। तो जी हम पहुँच गए पता नहीं कहाँ, और हमें नहीं पता है हम कहाँ पहुँचे हैं, पर यह कि यहाँ से ना देखो ऐसी ढलान है यहाँ से, मतलब गाड़ी के लिए ना, वैसे गाड़ियाँ तो आ रही हैं, बट वो हैं जो हैवी ड्राइवर होंगे या जो यहाँ के लोकल हैं वो ला सकते हैं, बट गाड़ी लाना यहाँ मतलब ठीक नहीं है। हमने भी अपनी गाड़ी ना पीछे खड़ी कर दी क्योंकि बहुत ढलान है, ये देख सकते हो आप। और हमने सोचा है अब यहाँ से हम पैदल चलें, वैसे तो 5 किलोमीटर दिखा रहा है, बट देखते हैं कितना चल सकते हैं, वरना हमें आधे से ही वापस आना पड़ेगा। पर आप फिलहाल खूबसूरत नज़ारों के आनंद लीजिए। क्यों सोमी, तभी तो मुश्किल है यार, यहाँ वो है कि टू व्हीलर में आ सकते हैं, मतलब टू व्हीलर वालों के लिए सही है क्योंकि बहुत ढलान है बहुत। तो जी अब हम जा रहे हैं वापस को, क्योंकि यहाँ से नीचे रोड है बहुत ही ख़तरनाक, मतलब बहुत लंबी भी है, बहुत काफ़ी पैदल रास्ता है, और अगर हम अभी चलना शुरू करते हैं तो हम शाम तक ही पहुँच पाएंगे मंदिर में, तो गाड़ी तो जा नहीं सकती। तो हम सोच रहे हैं अब यहाँ से वापस ही हो लें, अब बस यहाँ से वापस हो रहे हैं, तो वापस को निकल रहे हैं घर की तरफ। नीचे देखो कितना कोहरा कोहरा है, तो चलो चलते हैं वापस, सब हो गए हैं वापस को। तो जी यहाँ से कर रहे हैं हम गाड़ी बैक, क्योंकि जैसा कि आपको पता है नीचे है रोड बहुत ही ख़राब, मतलब टू व्हीलर तो जा रही है बट फोर व्हीलर के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, रोड टूटी वूटी है, और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, बच्चे बच्चे हैं। आओ बैक करो, और कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे मंदिर तक। तो यहाँ दोस्तों मंदिर हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, बट इस समय नहीं क्योंकि रास्ता था बहुत ख़राब, और बच्चे भी थे तो मम्मी भी थी, तो हमने कहा इतना नहीं चल पाओगे, तो हमने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। फिलहाल हम जा रहे हैं घर की तरफ, और चलो थोड़ा सा एडवेंचर, पहाड़ों का आनंद ले, दुख दुखी भी होगी। तो आप जब भी आए, मेरा सजेशन यही है कि ना आए जब भी आए तो ना आए मैं ना आए मतलब कि गाड़ी लेके ना आए, बाइक लेके आए। अगर आप राइडर हैं, बाइक राइडर हैं, तो आप आ सकते हैं, आपको बहुत अच्छा मजा आने वाला है, मतलब पसीने छूटने वाले हैं, मतलब बहुत चढ़ाई है। जो ये रूट है ना 15 साल पुराना रूट है, अभी मेरी किससे बात हो रही थी, जो इस पे घोड़े खच्चर चलते थे, ठीक है, खच्चर, हाँ घोड़े खच्चर वाली रोड है ये, मतलब थोड़ा सा इसका वाइड किया है, चौड़ा किया है, अदरवाइज ये रोड वैसी की वैसी है। मैंने उसको पूछा भाई ये लो बजट में बनी थी क्या रोड, तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि रोड हमारे जो भगवान है, भगवान बलराज बलराम जी के मंदिर के लिए रोड जल्दी से जल्दी बनाए, ताकि और लोग भी आ सके, खाली बाइक वाले बाइक वाले ना जाए। मैं फैमिली वाले भी लौट के आ रहे थे, तो ये रहा आज का हाल। फिलहाल जा रहे हैं घर की तरफ, और देखते हैं कहीं बीच में लेफ्ट राइट हुए तो आपको जरूर ले जा सकते। फिलहाल ये देखिए आप एडवेंचर रोड देखिए आप, मतलब खतरनाक खूबसूरत। तो जी अब हम यहाँ रुके हैं मैगी पॉइंट में, और यहाँ मैगी का मज़ा लेंगे, यहाँ के मतलब सुंदर नज़ारों का मज़ा लेंगे। देखो कितना प्यारा लग रहा है ऊपर से इधर को, तो ऐसे घूमने का भी मज़ा ही कुछ और है क्यों।
और ये देखो फोटो सेशन में कहीं रुकते नहीं, रास्तों का मजा लो, रोड्स का मजा लो। बिल्कुल। तो ये है यहाँ पे मैगी पॉइंट। यहाँ पे आ गई हमारी मैगी और चाय। अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छा है, देखो पीछे देखो। तो जी देखो यहाँ कितना सुंदर झरना बह रहा है और उसको देख के ना हमसे ना रहा नहीं गया, रुकी गए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी लोकेशन पे है और हमने सोचा यहाँ पे फोटो वोटो खिंचाए, मजा ले कुछ पीछे से प्यारे झरने का। पता नहीं मेरी आवाज़ इस झरने के साथ आ रही होगी कि नहीं, पर आ रही होगी, बहुत सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर। और यहाँ पे चल रहा है सबका फोटो सेशन, ये देखो। और पता है मेरी फोन की बैटरी भी लो होने वाली है, पता नहीं कब ये फोन बंद हो जाए, तो पता नहीं कितनी ब्लॉगिंग हो पाए। तो चलो जी अब बढ़ते हैं अपने घर की तरफ, बहुत देर हो गई है और बहुत घूम लिया अभी नहीं, अभी तो और खिंचवाओ अभी जल्दी क्या है जाने फोटो खिंचवाइए अभी तो बहुत टाइम है तो हमने बस आज फोटो खिंचवाई है, अब मिलते हैं सीधे घर पे क्योंकि बैटरी हो गई है बिल्कुल डाउन। तो जी 7:30 बजने वाले हैं और अब पहुंचे हम घर, और फोन भी स्विच ऑफ हो गया। तो जी आज हमारे बावर्ची लग गए हैं किचन में, और थोड़ी सी आपकी डिमांड आई थी, हमने सोचा कि सबको खिला दे एक बार, क्योंकि जो हमने व्लॉग बनाया था तो हिसाब का सबको पसंद आया व्लॉग, शाम तो सिर्फ हमने खाई थी, तो आज मैं सबको खिलाने वाला हूँ। और किचन देखो कितना फैला दिया इन्होंने, ये तो बनता ही है, फैलाना तो बनता है। और आज का ट्रिप कैसा रहा तुम्हारा? ट्रिप व्लॉग तो आपने देख लिया हुआ, चली तो गई, ऊपर आने में दिक्कत हो रही थी। एडवेंचर ट्रिप। ये देखो हमारा बावर्ची लग गया है अपने काम पे, मम्मी भी बोल रही है फोटो तो खींचे लग नहीं रहा, हम नहीं गए होंगे उतना, तो हमने मजे तो हमने पूरे कर लिए ना, घूम घाम के आ गए। वो देखो हाँ अभी तो कह रहे थे नहीं नहीं मुझे फोटो खिंचाने का शौक नहीं है, मुझे पता था बाद में जीजी बोलेंगे जरा मेरी फोटो भेज दे, अभी भेजती हूँ। वो भी देखो फोटो ही देख रही है। तो अब बन रहा है हमारा खाना, और आज के खाने के स्पेशलिस्ट है सैम, तो आज भी ये सब कुछ आप खिलाएंगे। चलो मिलते हैं, चाप बन जाएगी उसके बाद। ये बन गई सुनी की सोया चाप, क्या 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 लगता है सुनी, रिएक्शन आएगा? अभी भी खा चुका है। अब मैं इसमें डालूंगा धनिया और ये मिर्च और ये पहाड़ी स्टाइल में डालूंगा। तो सब बैठ गए अब खाने। और जी कैसा लगा आपको, कैसा बनाया सुमी ने? मस्त, अच्छे बावर्ची है ना सुमी। और नमू तुझे कैसा लगा? बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया, बढ़िया ब्लेंड आ रहा है। वाह, सलाम ठोक रहे हैं यहाँ पे। तो भाई तुम पास हो गए, सबको बहुत बढ़िया लगा। हाँ।